वेलकम नन अदर देन एहसान कुरैशी। एक दिन पायल कहती मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी पीठ दुख रही है, तो राहुल कहता मसाज दे दूं, आ जा। दोनों लेट गए भैया, और फिर उसने जो मसाज शुरू किया तो वो दिखाता रहा। हम तो भग गए अंदर, बाकी लोग बैठे रहे, ये क्या हो रहा है। हमने कहा ये सीन नहीं दिखाएगा, लेकिन जब हम बाहर आए तो वो TRP गेन कर गया वो सीन। तो भाई बोल नहीं सकते ये प्लानिंग थी या अचानक था। तो राहुल जी बड़े मस्त मौला आदमी थे, जो मन में आता था करते थे, लड़कियां भी उनको लाइट लेती थी, बहुत मजा आता था। तो सर, क्योंकि आपने जो उस समय की season 2 की जो हमारी मोस्ट पॉपुलर डीवा होस्ट थी शिल्पा शेट्टी, उनका जिक्र किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह की वो होस्ट थी, कैसा होता था माहौल जब वो आती थी साथ। अरे सुबह से तैयार हो जाते थे सब, अरे आज फ्राइडे है आ जाएंगी शिल्पा जी, तो वो शूट करके यहाँ सैटरडे को दिखाया जाता था। सुबह से नहा धो रहे हैं सब, मेकअप में लगी हैं लड़कियाँ, और नई नई ड्रेस पहन के सब लाइन से बैठ जाते थे, और हेलो हाय मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत अच्छी। उस TRP को आगे बढ़ाने में एक शिल्पा जी का भी हाथ था। मुझे याद है कि पहला शो जब हुआ था तो अरशद वारसी किए थे, वारसी जी की हाइट थी कम, उससे बड़ी हाइट की थी शिल्पा जी। बिल्कुल। फिर हम सोचे अब इनसे बड़े हाइट की किसको लाएं, अमिताभ जी आ गए तीसरे, उनसे भी बड़े। मैंने कहा इनसे बड़ा और किसको ला सकते, खली चौथे में खली आए, उसके बाद उनसे बड़ा मिला ही नहीं, तो वापस सलमान जी पे फिर वही आ गए। तो फिर सलमान जी ऐसे चिपके शो को, और लोगों ने इतना पसंद किया कि आज भी सलमान जी चल रहे हैं जी। ये थे जज लोग, लेकिन हमें मिली थी एक ही लेडी जज थी और फीमेल थी, वो थी शिल्पा जी, और वो हमारे नसीब में आई थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी मुझे याद है मेरे ख्याल से हर कंटेस्टेंट जो है वो शिल्पा जी को बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करते थे लोग। तो सलमान खान के होस्टिंग के ऊपर आपका क्या कहना है सर? वो एक अच्छे अभिभावक होने के नाते, घर के मालिक होने के नाते, बॉस होने के नाते, बराबर जो गलती करता है उसको डांटते हैं, जिसको समझाना है उसको समझाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में उनके तेवर ऐसे लग रहे थे कि ये किसी लड़के को नहीं जिताएंगे, ये लड़कियों को ही जिताएंगे। शुरू में तो तीनों सीजन में लड़कियां, फिर बाद में कुछ लड़कों पे दिल आया इनका कि नहीं इनको भी जिता दो यार, वरना श्वेता तिवारी जी को उन्हीं ने जितवाया जी। फिर वो और भी बाद में जो 2-3 लोग विनर हुई हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। सलमान जी का बिग बॉस हो गया है कि बिल्कुल बिग बॉस में अब सलमान जी आएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसलिए भी लोग डरते हैं और सम्मान करते हैं कि नेक्स्ट फिल्म में कहीं ये हमको ना ले लें। हाँ, इस वजह से भी बड़ी शराफत दिखाते हैं। तो सर, आप जो बिग बॉस season 13 जो अभी चल रहा है, वैसे देखा जाए तो पिछले जो कुछ 2-3 सीजन्स थे, ऐसा सुनने में तब आ रहा था कि जो TRPs हैं शो की वो थोड़ी अप्स एंड डाउन्स में चल रही थी, लेकिन ये सीजन जो 13 है इस साल का, वो वापस एक ऐसा सीजन माना जाता है जहाँ पे TRP ने यू नो एक शूटअप ले लिया है। पहले के सीजन एकदम डाउन हो गया था क्योंकि उनमें दो कैटेगरी थी, एक सेलिब्रिटी थी और एक जनरल कोटे से आम आदमियों को लाए थे। लेकिन बाद में समझ में आया कि ऑडियंस आम आदमी को नहीं देखना चाहती, वो तो देख ही रहे हैं हम पड़ोस, वो सेलिब्रिटी को देखना चाहते कि वो कैसे तो रहते, वो कैसे रहते। तो इस बार फिर इनने पूरे सेलिब्रिटीज लाए, तो फिर शो एकदम से उठ गया, और शो में बड़े कमाल के लोग हैं, और इतने सीजन देख के हम तो देखे भी नहीं थे ना, हमारे पहले एक ही सीजन था, लेकिन हम अपने काम में बिजी थे तो हम देखते नहीं थे, हम समझ ही नहीं पाए बिग बॉस गेम क्या है। हाँ, कभी रवि किशन बर्तन धो रहा है, मैंने कहा ये क्यों धो रहा है, राहुल वो आशिकी के जो हीरो है रॉय साहब झाड़ू लगा रहे हैं, पगड़ी पहन के बैठे, हम कहे क्या पागलपंती चल रही है, गेम किस टाइप का, हम समझ नहीं पाए थे। लेकिन फिर हमने ये जो आ रहे हैं बच्चे अभी ये देख के आ रहे हैं जी, अभी बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, अभी सिद्धार्थ के पीछे सबको पसंद है, मेरे घर के खुद बच्चे बड़े, मैंने कहा यार इतना लड़ता है इतना झगड़ता है फिर भी अच्छा लगता है, बोले यही तो TRP है पापा, मजा आ रही है, तो मेरे बच्चे खुद ही दूसरों का झगड़ा देखते हैं। हाँ, बड़ी उम्मीद थी कि कृष्णा की बहन जा रही है यार, हाँ ये भी कमाल करेंगी, लेकिन ठीक है बच गई वही सब। एक आदमी बड़ा एंटरटेनिंग है, भाऊ जी, हाँ देशी आदमी और देशी भाषा,
और गजब की उसकी लैंग्वेज सुनने में मजा आती है भाई के लिए। और एक ना एक भाई तो आते ही हैं हर शो में, एक ना एक रहते हैं। मेरे टाइम ऐसा कोई भाई आया नहीं था, लेकिन राजू भाई के टाइम एक भाई आए थे। हाँ। और वो बड़े चर्चा में थे, बहुत चर्चा में थे, जिनका पानी लंदन से आता था, जिनकी चाय चाइना से आती थी। भाई इस देश में क्यों पड़े हो तुम, हैं बाहर जाओ, बाहर का ही पसंद है हमको। हाँ। तो असमी टी अच्छी लगती भैया, इस देश के पपीते ही बहुत अच्छे लगते हैं। हम केला खाएंगे तो यहीं का खाएंगे, अनाज हमारे किसान उगाते हैं यार, इनका पसीना बहता है इसमें, जो मजा है ये फेंका फाकी में मजा। वो किसको बता रहा है, अमिताभ जी को, जिनके पास इतना पैसा है कि रोज प्लेन से दुबई जाएं, नाश्ता करके वापिस आ जाएं, रोज इतना पैसा है कि कई पीढ़ी तक खाएं तो खत्म ना हो, किसको बताओ। अभी जो है भाऊ, भाऊ बहुत मजेदार, बहुत, अरे भाऊ की बातें भी गजब की। अगर वो मेरी स्टाइल में वो कविता करे ना, तो बड़े स्टाइल से चार लाइन बोल सकता है। अगर कुछ हाँ। हो सके तो, अगर आप कुछ सुना पाए तो। अपुन की कॉलर है एकदम टाइट, अपुन की कॉलर है एकदम टाइट, अपन लैंग्वेज शब्दों से करता है फाइट, और रात में बंद करके ट्यूबलाइट वो सो जाता है एकदम टाइट, एकदम टाइट। तो ये है भाऊ, आरेला खारेला जारेला, लेकिन मन का अच्छा है, मन का अच्छा है, और एक देशभक्ति उसके अंदर अच्छी है। जो इस देश के लिए बुरा बोलेगा तो उसके लिए तो भाऊ तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सैनिक भी फाइट करते हैं ना, सेना, उनके पास हथियार। इस देश की तरफ बुरी नजर उठाओगे तो सीधा फाइट, तो इस देश के लिए बुरा सोचोगे तो भाऊ बैठा है। भाऊ जैसे ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो इस देश का बुरा सुन ही नहीं सकते, लगे रहो भाऊ। तो इस सीजन में आपको क्या लगता है कि वो ऐसे कौन से यू नो कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें आप टॉप थ्री में देखते हैं? देखो, अगर फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है, जब भी मैं देखता हूँ तो पूरे घर के चेहरे पढ़ते रहता हूँ कौन किधर जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली का झुकाव मालूम, वो कश्मीर का लड़का है आसिम, बड़ा एक तो स्मार्ट सा है और काम भी बड़े अच्छे कर रहा है और एकदम रूड नहीं है। और एक है बदमाश सिद्धार्थ, चिल्लाता ले, तो एक दौड़ में वो भी शामिल है सिद्धार्थ। हाँ, और तीसरा हमारा हिंदुस्तानी भाऊ जिसको लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं। अगर उसको भर भर के वोटिंग मिलती रही ना तो उसको नॉमिनेट भी करेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे बॉस, क्योंकि इतने फॉलोअर्स हैं और उसको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। अब वो गंदी बातें भी नहीं करता, गंदी बात बोलता भी नहीं, तो ये तीन बड़े मस्त चल रहे हैं जी। बाकी लड़कियाँ तो सब सिमिलर दिखती हैं, वही लड़ना, वही मेकअप करना, और वही एक दूसरे की ताम झाम में लगी रहती हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में भी शो चले, लेकिन लोग बनावटी लड़ाई ना लड़ें, अपने अपने मकसद के लिए लड़ें, शो को अच्छा करें, इंटरटेनिंग बनाएं। लोग मनोरंजन के लिए देखना चाहते हैं, ये एक घंटा लोग हंसते रहें। हाँ, लोग मुझसे 90% लोग नित्यांश ये पूछते हैं कि भाई ये सब स्क्रिप्टेड रहता है ना। हाँ। बोल देते ना, तेरे को इससे लड़ाई करना है, तो हाँ। ये कुछ नहीं होता है नहीं। एक कमरे में छोड़ दिए हैं आपको, आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है जी। आपके पास समाचार नहीं है, बाहर की दुनिया में अभी यहाँ कितनी कौन सी सरकार आ गई, क्या उठा पटक हुआ, अभी उन लोगों को नहीं मालूम यार हम गए तो कौन सी सरकार थी, हम वापिस आए तो ये कौन सी सरकार आ गई, तो ये हैरत होती है। तो ऐसे घर के अंदर और फिर ये सब आपस में रहकर ये गेम करना, तो कौन स्क्रिप्ट देगा। स्क्रिप्ट तो बस वही होती है जो टास्क दे देते हैं। हाँ। लेकिन इस शो का सबसे बड़ा फॉर्मेट है बिग बॉस की आंख। एक कैमरे ऐसे लगे कि तुम सो भी रहे हो। हाँ। तो तुम उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल। तब मैं वहां कहता था कि यार इनसे भी बड़ा एक बिग बॉस आसमान में है जिसका कैमरा 24 घंटे ऑन है। अगर सारे इंसान उस कैमरे का ध्यान कर ले तो पाप करना छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें, वो देख लें चोरी करने से पहले कि एक कैमरा तो देख रहा है, घर वाले जरूर सो रहे हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ गंदी हरकत करते हैं वो एक बार देख लें कि इस कैमरे में कैद हो रहा हूँ, और एक न एक दिन ये कुदरत का कैमरा और कुदरत आपको लताड़ेगी। आप गुलाब बोएंगे, बाद में गुलाब आएगी, खुशबू आएगी, आप कांटे बोएंगे, आपको कांटे ही मिलेंगे। ये प्रकृति हमको लौटाती है, हम इसको जो देते हैं, तो बहुत प्यार करें, प्यार से रहें, सम्मान करें, बच्चियों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, और देश के लिए तरक्की की दुआ करें, क्योंकि देश है तो हम हैं और देश है तो सब कुछ है। जब मैं जब निकल के आया था
तो अक्टूबर का महीना था जब गया था, और नवंबर में जब आया था, अगस्त शुरू हुआ था, और नवंबर में जब मैं आया तो बस एक हफ्ता घर में रहा हूँ, और 26/11 का अटैक हुआ था। आज लाफिंग कलर्स की तरफ से मुझे उस्ताद की चार लाइन याद आती इन शहीदों के लिए, चार लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी, और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। क्या बात है सर, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। जो बिग बॉस की, बिग बॉस सीजन 2 की जो सारी यू नो दिलचस्प यादें थी वो आज फिर एक बार ताजा हो गई। सो थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ एहसान कुरैशी।